देखिए आप सब बहुत अच्छे होंगे, सौ सौ के भी होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज है ट्यूजडे, तारीख है 31 तारीख, और अभी टाइम हो रहा है 4:15 का टाइम हो रहा है। और अभी जस्ट मैं थोड़े देर पहले आई घर से, नहा करके और सुबह में नाश्ता करके गई थी, तो दोपहर का खाना तो खाई नहीं, तो बस यहाँ पे मैं अभी खाना बना रही हूँ। रात का खाना थोड़ा लेट बनाऊंगी, इसलिए मैं अभी चावल दाल, मेरा मन किया कि चावल दाल पटल का सब्जी, मतलब पटल का भुजिया और एक कटहल का चटपटा सा सब्जी बना, तो बस वही मैं बना रही हूँ। इधर चावल दाल दोनों तैयार हो गया, भुजिया में भी नमक हल्दी डाल करके छोड़ दे रही हूँ पकने के लिए, और कटहल भी बॉइल कर ली। और घर का क्या क्या काम हुआ है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और अभी पूरा चारों तरफ से ना बादल किए हुए हैं, कभी भी बारिश हो सकती है, तो उससे पहले वो आंधी पानी आए उससे पहले मैं सोची कि चलो खाना का काम मैं खत्म कर लेती हूँ। और बहुत ही जोरों की लग गई है अभी भूख। और घर से आ रही थी ना तो आज सब्जी मार्केट लगा हुआ था, और मेरे घर में सब सब्जी है, जैसे कटहल है, उसके बाद में झिंगी है, नेनुआ है, भिंडी है, करेला है, कद्दू है, सब है, पर पटल नहीं था, बैगन भी है पर पटल नहीं था। तो मेरा मन किया था कि पटल का आज मैं भुजिया खाऊंगी, क्योंकि घर में था नहीं सब्जी। तो हस्बैंड बोले चलो यही पे मार्केट है, 10 मिनट रुकते हैं, मार्केट जब लग जाएगा, सब्जी का मार्केट लग जाएगा तो खरीद लेंगे पटल, इसमें क्या है। तो बस वही भुजिया, अपना फेवरेट भुजिया मैं बना रही हूँ। तो बस भुंजिया तैयार है, तो उसको मैं कटोरे में निकाल ले रही हूँ। और आज जो कटहल का सब्जी मैं बना रही हूँ ना, वो बहुत ही यम्मी वाली सब्जी है। और इस सब्जी को अगर बना लेना, जैसे कि कटहल का जो भी सब्जी होता है, कच्चा काट करके सब्जी कटहल का बनाइए, या फिर बॉयल करके बनाइए, या फिर जो छान करके होता है ना, तल करके कटहल का सब्जी जो बनता है ना, वो तीनों चारों तरीके से बनाए हुए कटहल का सब्जी से टेस्ट इसका बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा तेल तो पड़ता है। पकौड़ी भी इस कटहल के सब्जी के सामने मतलब कि फीका पड़ जाता है, इस तरह से अगर आप बनाइएगा तो कटहल का सब्जी बहुत ही यम्मी वाली लगती है। ये वाली कटहल की सब्जी जो मैं आज बना रही हूँ, बहुत सारे तरह मतलब कि तरीके में बताइए आप लोगों को, बनाती हूँ तो आप लोग के साथ शेयर भी करती हूँ, पर ये कटहल का सब्जी जो मैं आज बना रही हूँ ना, बहुत ही यम्मी वाली कटहल की सब्जी बनती है। तो इसके लिए जो भी सामान लगेगा, जैसे कि प्याज हुआ, अदरक हुआ, हरी मिर्च हुआ, तो वो सबको मैं काट करके और रख ले रही हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए हैं और बोल रहे हैं कि याद है ना, फिर कल मॉर्निंग में कहीं और निकलना है। सो तो ये हमको चिढ़ाते ही रहते हैं, क्योंकि मेरा ना मन नहीं कर रहा है कहीं भी जाने का, जैसे कि मार्केट जाने का तो बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा है, पर क्या करूँ, ऐसा भी काम लगा हुआ है कि जाना ही पड़ता है। यहाँ पे मैंने प्याज, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन, ये सबको अच्छे से काट ली, हींग जीरा का फोरन डाल करके, और इसको मैं फ्राई कर ले रही हूँ। और कटहल को नमक और हल्दी डाल करके सिर्फ इसको उबाल ली थी, और इसको मोटा मोटा ही करके इस तरह से क्रश कर ले रही हूँ सिर्फ। और कटहल का सब्जी जो है ना, सो अब ये लास्ट ही लग रहा है कि बन रहा है मेरे यहाँ, सीजन इसका जो है सो खत्म होने को है। इसे भी इसका बीची जो है ना, तो बीज इसका बड़ा बड़ा सा हो गया है। जो रेगुलर के मसाले रहते हैं सो हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मैं भी पाव भाजी मसाला, तो इसको डाल करके भी ये मतलब कि आधा भुना है, तो इसी में मैं डाल दे रही हूँ इस मसाले को। तो बस यहाँ पे प्याज को मैं थोड़ा सा मोटा मोटा ही काटी हुई थी, और जो मसाले थे सो उसको डाल करके अच्छे से कुछ देर के लिए भून ली। उसके बाद में यहाँ पे मैं दही डाल दे रही हूँ, और मेरे यहाँ ना हस्बैंड गरम मसाला बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हैं, तो गरम मसाला इसमें मैं नहीं डाल रही हूँ। इसमें डाल दी मैं नमक और थोड़ी सी कसूरी मेथी, बस इसी को डाल करके इस सब्जी को मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं नमक डाली, अब भी डाली नमक, और ये क्या होगा ना कि सब्जी मतलब दही के वजह से ना, इसमें टमाटर भी मैं नहीं डाल रही हूँ, तो दही के वजह से ना सब्जी जो है सो थोड़ी सी खट्टी खट्टी सी लगेगी। तो बस ये कटहल जो मैं तोड़ करके रखी थी उसको डाल दे रही हूँ, इसमें आलू नहीं डाल रही हूँ, बस इसी तरह से इसको भून लूँगी इसी तेल में और मसाले में, पानी उनी नहीं डालूँगी, बस इसी को अच्छे से भून लूँगी। और ये देखिए थोड़े देर के लिए मैं भूनी और थोड़ा देर और भून लूँगी, तो बस इसी से ये सब्जी जो है ना सो तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ
फूल, जो कि पिछले बार वीडियो में मैं बोली थी ना कि जो भी सब्जी का कटा हुआ रहता है ना, तो वो मैं फूल के पेड़ में रखती हूँ। और देखिए उसी से, जैसे कि मेरे यहाँ तो बाल्टी में और बोरा में फूल का पेड़ मैं लगाई हुई हूँ, जो 20 किलो का जो रहता है ना चावल का बोरा, उसमें वो बोरे में मैं डाली हूँ कुछ को, और कुछ जो बाल्टी है घर में रहता है तो फूट गया है, तो उसमें मिट्टी डाल करके मैं लगाई। और खाद के नाम पर मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ, बस ये जो सब्जी का कतरन बचा हुआ रहता है कटा हुआ, उसी को डाल देती हूँ। और आप देख सकते हैं कि कितना हरा भरा हुआ और पूरा फूल खिले हुए हैं। तो पिछले वीडियो में कमेंट भी आया था कि अच्छा लगा आपका सुझाव जान करके, मतलब कि आप जो सब्जी का कतरन है सो उसको आप फूल में डालती हैं सो, और चाय पत्ती ये सब भी मतलब मिक्स करके, पिछले वीडियो में मैं बताई हूँ बस उसी तरह से इसको मैं डालती हूँ, और पानी बस यही सब डाल करके ये देखिए कितना हरा भरा सा हो गया है। और गुलाब भी अभी एक दो करके फूल खिल ही रहा है। और ये वाला जो फूल है ना, ये गुच्छे गुच्छे में फूलता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है ये इसका फूल। पर है बहुत छोटा सा इसका पेड़, अभी इसका बहुत बड़ा पेड़ होता है पर छोटा सा पेड़ है। इसको भी मैं बाल्टी में ही लगाई हूँ, पर देखिए कितना सुंदर लगता है ना। और पिछले साल का आम जो खाई हुई थी ना, सो उसका जो बीज था उसको मैं डाल दी थी यहीं पर एक बोरे में करके, मिट्टी बोरे में मतलब मिट्टी डाल करके, तो वो भी इतना बड़ा बड़ा इसका पौधा हो गया है। ये देखिए अपराजिता है, और इतना फूल मेरा मतलब कि डेली ही निकल जाता है भगवान का पूजा करने के लिए, तो अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है फूल को मतलब देखना, फूल में पानी देना और फूल का जो भी ये रहता है ना देखभाल करना, वो सब बहुत ही अच्छा लगता है। तो बोली थी ना कि मौसम खराब किए हुए है, ये देखिए मेरा काम बढ़ा दिया अब ये आकर के, पूरे जोरों की तूफान, मतलब तूफान तो इतने जोरों की थी ना कि बहुत जगह तो आम का जो बड़ा बड़ा सा डाल है वो तोड़ दिया, नीम का डाल है उसको तोड़ दिया, यहाँ पे मेरे बगल में ही पीपल का एक बहुत बड़ा विशाल मतलब कि वृक्ष है उसका भी डाल उल पूरे तोड़ दिया। और ये देखिए कितना गंदा कर दिया, तो इसको भी अब मैं साफ करूंगी। और ये आंगन का दशा देखिए क्या हो गया है, दशा दुर्दशा हो गया है, तो इसको भी मैं अब साफ करूंगी। तो चलिए अब घर पे क्या क्या आज काम हुआ वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो भी डिस्टेम्पर का काम था, पुट्टी का काम था, वो सब हो गया। और यहाँ पे अब पेंट में कलर मिला करके कलर करने के लिए तैयारी जो है सो हो रही है। और यहाँ पे हॉल में दिखा देती हूँ कि हॉल में इस तरह से इसका पेंट हो गया है एक दीवार छोड़ करके। तो हस्बैंड को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं था कि हाँ एक दीवार में दूसरा कलर दे, यही लेमन कलर ही इनको अच्छा लगा था। पर मैं बोली ना कि जैसे कि उनको तो पसंद है ना कि जो यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं अभी, वहाँ वाला जो घर का कलर है ना क्रीम कलर, पर मेरा मन यहाँ से ये कलर से ना मन भर गया था, तो थोड़ा सा सोची कि नहीं थोड़ा सा चेंज कीजिए कलर को, तो ये लेमन कलर है। पर पता नहीं क्यों मोबाइल में अभी ये दिख नहीं रहा है लेमन कलर, तो सुंदर लग रहा था। और यहाँ पे एक दीवार जो है ना, वो दीवार पे मैं इस तरह का कलर दिलवा रही थी, पर हस्बैंड को ये बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, कभी कभी मन होता है ना कि थोड़ा सा लुक जो जहाँ पे है जैसे हैं उसको थोड़ा सा चेंज किया जाए, है ना। तो बस यही है। और यहाँ पे गाँव में गई थी आज, हरी बोल हो रहा था गाँव में, तो वहाँ पे गई हुई थी दर्शन करने के लिए, तो छोटा सा क्लिप मैं वहाँ का भी ले ली। तो आज का वीडियो यही रहा, और अब जा कर के मैं घर का जो साफ सफाई है उसको करूँगी। तो यहीं पे इस वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना पूरा पूरा ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।